नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि, बैरक में रहने वाले आरक्षियों के पुलिस अकोमोडेशन अलाउंस में 25% की वृद्धि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आहार समेत अन्य मदों के लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए देने की, यानी कि बढ़ाने की घोषणा की है। यहां पर एकत्र हुए हैं जिन्होंने समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए प्राणों का बलिदान देकर अप्रथम कर्तव्य प्रायणता का परिचय दिया है। वर्ष 2023-24 में कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों में उत्तर प्रदेश पुलिस के भी 2 बहादुर पुलिसकर्मी शामिल हैं। मैं इस अवसर पर सभी शहीद पुलिसजन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जाबांज पुलिस कार्मिकों का यह सर्वोच्च बलिदान। बैरक अलाउंस जो कुछ लोग बाहर रहते थे, बैरक अलाउंस में भी वृद्धि की गई है। खेल की जो नीति थी उसमें भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि अधिक से अधिक खिलाड़ी जो हम लोग कुशल खिलाड़ियों की भर्ती कर रहे हैं, तो उस धनराशि में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पदक हमारे साथी विभिन्न गेम्स में लेके आए। आपने देखा होगा कि यहाँ जो ओलंपियंस हैं उनको डायरेक्ट डिप्टी स्पीकर रैंक के पीछे भर्ती दी गई शासन के द्वारा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विशेष कृपा है या उनका जो पुलिस के प्रति प्रेम है, ये दर्शा। उत्तर प्रदेश के करौल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मैनपुरी से पार्टी की सांसद डिंपल यादव और अन्य नेताओं के साथ जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे तेज प्रताप यादव ने निर्वाचन अधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। जनता और मैनपुरी की जनता का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का, नेताजी का हमेशा साथ दिया है। किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में या राजनीतिक कोई फैसला हुआ होगा, यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी का हमेशा साथ दिया है। करहे लोकचुनाव में जो होने जा रहा है, ये वो विधानसभा है जहाँ की जनता समाजवादी पार्टी को हमेशा चुनती रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा और आरओ एआरओ परीक्षा की तिथि में बदलाव करने के बाद अब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि आयोग ये परीक्षा कई शिफ्ट में करने जा रहा है और जिसमें अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दें कि जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और उपायुक्त उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है अभ्यर्थियों का। तो वहीं प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि विगत दिनों पीसीएस जे की परीक्षा में आयोग में कॉपी बदलने का मामला सामने आया था, जिसमें हाईकोर्ट के दखल के बाद आयोग को रिजल्ट रिवाइज करना पड़ा है और ऐसे में वर्षों से तैयारी कर रहे अभ्यर्थी शशंकित दिखते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों में अब मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए हाथ से लिखी रिपोर्ट के झंझट से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। प्रदेश सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रमुख सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रसारथी सेन के निर्देश पर राज्य के ज्यादातर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अब
कंप्यूटराइज्ड जांच रिपोर्ट मरीजों को दी जा रही है और जिससे उनके लिए इलाज कराना और भी आसान हो गया है। और आपको बता दें कि जिससे मरीजों को काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो वही आपको बता दें कि जिसमें मरीजों को दोबारा जांच करनी नहीं पड़ेगी और इस परेशानी को दूर करने के लिए अब ये प्रक्रिया लागू की गई है।